ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड। सो आज बात करते हैं हम टर्म और टर्म सिंबल की, ठीक है। तो ये क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं कई सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो CSIR, नेट, गेट, और क्या है ये हमारे एकेडमी एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, लाइक BSC, ठीक है। तो क्या है, हम बात करते हैं टर्म और टर्म सिंबल की, ठीक है। टर्म सिंबल को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं पहले। टर्म, ठीक है, टर्म सिंबल, टर्म एंड टर्म सिंबल, ठीक है। तो बात करते हैं पहले टर्म सिंबल की, ठीक है। तो कैसे डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे 2s+1, ओके। एल ये क्या है हमारी टर्म, ठीक है। टर्म क्या है, ये एजिम्थल क्वांटम नंबर, ठीक। ये क्या है हमारी, ये हमारी मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज मल्टीप्लिसिटी, ओके, मल्टीप्लिसिटी। तो निकालते हैं पहले, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, पहले एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड टर्म फॉर P1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कोई कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उन्हें हमें P1, ओके फ्रेंड। इसके लिए हमें क्या निकालनी है, टर्म सिंबल, टर्म निकालनी है, ओनली टर्म, ठीक है, दिस टाइप, ठीक है। ये क्या है हमारी मल्टीप्लिसिटी, ये क्या है एजिम्थल क्वांटम नंबर, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो निकालते हैं हम लोग क्या है पी ऑर्बिटल, जानते हैं आप क्या होता है, +1, 0, -1, ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या है हमारे एल की वैल्यू फाइंड आउट होती है, किसकी, एल की, ठीक है। तो एल इजकल टू क्या आया, एल इजकल टू 1, ओके, तो 1 आया। तो यहाँ पे हमें ये टेबल लिख लेते हैं थोड़ी, क्या है 0, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है, 0 फॉर एस पी डी एफ जी एच, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो एल इजकल टू क्या आया, ये क्या है नंबर ऑफ एल, एल इजकल टू 1, तो पी, ठीक है। तो ये एल इजकल टू क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एल की जगह बराबर आया 1, ओके। तो 1 क्या है हमारा पी, पी है तो पी, ओके। अब मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, ये कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये निकालने के लिए सबसे अच्छा क्या है, 2 × s, s स्पिन देखते हैं, स्पिन क्या है, s क्या है स्पिन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s+1, ठीक है, 2, ठीक है, सिंगल सेक्स, डबलेट स्टेट हो गई इसकी, ये क्या हो गई हमारी टर्म एंड टर्म से टर्म हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई टर्म, पहला क्वेश्चन के लिए ये क्या हो गई हमारी टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, टर्म सिंबल फॉर डी, टर्म सिंबल, ठीक है। टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, टर्म सिंबल के लिए होती है 2s+1, ओके, एल जे, ये क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये तो हमारी मल्टीप्लिसिटी, जे एल एजिम्थल क्वांटम नंबर, ये क्या है हमारी जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है, डी के लिए निकालते हैं, ओके, +2, +1, 0, -1, -2, ओके। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है जितनी भी एल की नंबर, इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वहाँ भरेंगे जहाँ एल की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है, और इतनी भी मैक्सिमम ना हो ताकि स्पिन क्या हो, स्पिन भी हाफ हो जाए, ठीक है। दोनों चीज़ देखते हैं, स्पिन भी कम हो और क्या हो, मैक्सिमम एल की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, डी सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आई, एल की वैल्यू आई 2, ओके। तो जब क्यों आई, क्योंकि इसका इसके लिए प्लस
टू है, ओके। इसके लिए प्लस वन करके देखते हो, जब एल की वैल्यू कितनी आई, टू, ओके। टू है तो क्या है, डी, ओके। तो एल इजिकल टू क्या लिख देंगे हम, डी, राइट। मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी करते हैं 2s प्लस वन, ओके। 2 वन इलेक्ट्रॉन है, हाफ, ठीक है, प्लस वन वही आएगी 2, ठीक है, तो 2, ओके। अब क्या रहेगा, अब रहता है हमारा जे। जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, जे की वैल्यू करते हैं एल प्लस एस, ओके। एल प्लस एस, एल कितना है हमारा, एल है हमारा कितना था, 2, ओके। 2 एस कितनी है, हाफ, ओके। तो कितना हो गया, ओके, एस करेंगे 5/2, ये हो गई हमारी टर्म सिंबल, किसके लिए, डी, डी वन कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या हो गई ये हमारी टर्म सिंबल। ओके, ये हो गई टर्म सिंबल। ऐसे किसके लिए कर सकते हैं हम, ऐसे एफ के लिए, एफ के लिए, एफ के लिए करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ओके। एफ के लिए करके देखते हैं, एफ वन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ओके। इसके लिए करो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। 0 प्लस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो एल की वैल्यू कितनी आई, एल की वैल्यू आई हमारी, एल इजिकल टू हो गया हमारा 3, 3, एल इजिकल टू क्या है, एल इजिकल टू 3 है एफ, सॉरी, एल, एफ इजिकल टू 3, एल इजिकल टू 3 है तो क्या हो गया हमारा एफ, ओके, एफ। मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s प्लस 1, ओके, 2s प्लस 1, 2 इंटू एस हाफ इंटू 1, 2, ओके, 2, ठीक है। नाउ j, l प्लस s, l कितना है, l फाइंड आउट किया हमने 3, ओके। एस कितना, हाउ मैनी एस, एस 1, ओके, ओके, सॉरी, ठीक है, ये हो गई हमारी इतना, ठीक है, 7/2। नाउ थर्ड हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा माइक्रोस्टेट का है, माइक्रोस्टेट है 3f, ओके। 3f के लिए, इसके लिए क्या होती है, इसके लिए कंडीशन होती है 2s प्लस 1 इंटू 2l प्लस 1, ओके। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1, सॉरी 2s प्लस 1, 2l प्लस 1, ओके। तो निकालते हैं, ये क्या हमारी मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी क्या है हमारी, ये जैसे पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हमारी, 3, ठीक है। l, l, अब देखते हैं f, f 2, ओके, ऐसे करो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है इसमें, f, f, l बराबर कितना है 3, ओके, 3 प्लस 1, ओके, थ्री, थ्री टू जा 6 और 1 7, ठीक है। इसके लिए कितनी स्टेट हो गई,
ठीक है, 3F के लिए हो गई 21 स्टेट। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, बट थोड़ा ध्यान में रखते हुए और नेक्स्ट और अभी और है, ठीक है, इसके लिए देखते हैं एक बार और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। रफ कर सकता हूँ मैं, ये देखिए ये हमारा G1, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालनी है, माइक्रो स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो मल 2S+1 फॉर्मूला वही लगाएंगे, 2S+1 और 2L+1। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, अगर समझो तो ठीक है। देखो क्या है, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी कितनी है हमारी, 1। ओके, 1 ऐसे रहने दो इस हिसाब से, ठीक है। 2 एलिजिकल टू जी 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 एलिजिकल टू 4, ओके जी SPDFG, ओके जी, तो कितना हुआ ये 4, ठीक है। ये 1 × 4 2 8 8 और 1 9 9 टोटल 9, तो इसके लिए कितनी माइक्रो स्टेट हो गई, टोटल 9 माइक्रो स्टेट। ओके, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 3P के लिए माइक्रो स्टेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, 3P के लिए बहुत जल्दी से। ओके, टाइम कम है, 3P के लिए मल्टीप्लिसिटी में डायरेक्ट लिखूं, ये 2S+1 × 2L+1। ओके, ये क्या होगी हमारी 3 हो गई, ओके 3 हो गई, 2 एल की वैल्यू पी, एल इजिकल टू पी तो 1+1 3 1 2 और 3 3 3 9। ओके, आई एम राइट, ओके 3 माइक्रो स्टेट। ओके, और फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, फ्लोरीन के लिए नेक्स्ट केस क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 4, टर्म लेवल फॉर फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन का, फ्लोरीन के केस में होता है 2P4 5, ओके 9 होता है तो 1S2 2S2 2P5, ओके 5 होता है 5। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करने हैं, ये कितना है 1 0 -1, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है 5। ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के लिए कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे जो L की वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे करते हैं, L की +1 + 1 + 2, ठीक है, 2 और -1, ओके। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 1, L बराबर 1 होगा तो क्या होगा, L बराबर 1 होगा तो होगी हमारी P, ओके P, राइट P होगी। अब क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2S+1, ओके 2 कितना है, S कितना है, ये ओके, ठीक है। अब जे और निकाल लेते हैं, अगर इसकी क्या पूछा जाए, क्या पूछा है यहाँ पे, इन्होंने पूछा है लेवल, लेवल का भी मतलब क्या होता है, टर्म सिंबल, लेवल मतलब क्या होता है, टर्म सिंबल। ओके, मैं बता दूं लेवल का मतलब भी क्या होता है, टर्म सिंबल, ठीक है, अभी नोट डाउन कर दूंगा मैं। जे की वैल्यू कैसे निकालते थे, L+S, ओके L कितनी हमारी, L कितनी निकाली थी, 1, ओके S कितनी निकाली थी हमारी, वो भी 1, ये कितनी हुई 3/2, ओके 3/2, ये क्या हो गई लेवल, कर देता हूँ लेवल, लेवल और टर्म सिंबल, ओके टर्म सिंबल के हिसाब से निकाली थी हमने, 2S+1 L × J, उसके सब लेफ्ट राइट सबस्क्रिप्ट, ओके या सिंबल, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा हुआ, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, ग्राउंड स्टेट ऑफ टर्म, ओके
ये एक इन्होंने एक ग्राउंड स्टेट पर कॉन्फ़िगरेशन दिया दे दिया है D5 का। ये किसका है? D5 जो है वो है Mn+2 का, Mn+2 का इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। और उसके लिए निकाला बोला है कि हमें कि भाई इन्हें टर्म निकाल के देनी है हमें, ठीक है ठीक है। टर्म फाइंड आउट करनी है, ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ओके 5 क्वेश्चन है, 5 है इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5, ठीक है फ्रेंड। +2 +1 0 -1 -2, ओके। कैलकुलेट करेंगे फर्स्टली हम एल की वैल्यू, ठीक है। ये 2 ++3, ओके। ये +3 और ये -3, -3 -3 कैंसिल और ये 0, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखना फ्रेंड, एल की वैल्यू आई 0, ओके। 0 क्यों आई? क्योंकि ये एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एल की वैल्यू कितनी आई 0। 0 आती है तो एल की वैल्यू होती है 0। अगर एल बराबर 0 है तो क्या होगी, एस, ओके। ये देख सकते हो एस, ओके। अब क्या निकालते हैं, मल्टीप्लिसिटी 2s+1, ओके। s की 5 5 by 2, ओके +1 6, ये कितनी होगी, 6 8, क्या होगी हमारी 6 8, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ग्राउंड टर्म हो गई, ठीक है। ग्राउंड टर्म क्या हो गई इसकी, D5 के लिए ग्राउंड टर्म, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, टॉपिक कैसा लगा बताना जरूर, समझ में आया या नहीं।